हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसिक यूडीसी प्लस स्टेनो यानी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इसमें दो तरह की जो वैकेंसी निकली हुई है, यूडीसी और स्टेनोग्राफर यानी अपर डिवीज़न क्लर्क एंड स्टेनोग्राफर। जो यूडीसी की है वो आपकी ग्रेजुएशन से है, स्टेनो की अगर बात करें तो ये है आपकी 12th पास से। तो इसका आज लास्ट डेट है, ये स्टार्ट हुई थी आपकी 16 मार्च को स्टार्ट हुई थी और आज यानी 15 अप्रैल को इसका लास्ट डेट है। तो अगर अभी तक आपने इस फॉर्म को नहीं भरा है तो आप भर दीजिए, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लगभग 1800 प्लस इसमें वैकेंसी है, तो आज लास्ट है। अगर आपने नहीं भरा तो इसको भर लीजिए। अब देखिए, मैं इसमें आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि इसमें कितने फॉर्म जो है भरे गए हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कितने इसमें फॉर्म भरे गए हैं। वैकेंसी मैंने बताया 1800 प्लस वैकेंसी है, तो कितने फॉर्म इसमें भरे गए, कितना कंपटीशन रहने वाला है, इस बारे में हम बात करेंगे। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है सिलेबस। हम यूडीसी और स्टेनो दोनों को यहाँ पर इंक्लूड करके मैं आपको बताऊँगा, तो इसमें सिलेबस पर हम बात करेंगे। काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कन्फ्यूजन में हैं कि एग्ज़ाम IBPS करा रहे हैं, मतलब इसमें जो लेवल रहेगा सब्जेक्ट का या क्वेश्चन पेपर का वो बैंक वाला रहेगा या SSC वाला, तो इसको लेकर के कन्फ्यूजन है वो यहाँ पर हम दूर करेंगे। दूसरा, कट ऑफ के बारे में हम चर्चा करेंगे और क्या आपकी स्ट्रेटजी रहेगी इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। इस वीडियो में हम सारी जो पॉइंट्स है वो डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आज लास्ट डेट है और अगर अभी तक आपने नहीं भरा तो आप इसको भरिए, तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले देखिए, बात करते हैं फॉर्म इसमें कितने भरे गए, कितने फॉर्म जो इसमें अभी तक भरे गए हैं, तो बिल्कुल जेन्युइन डाटा मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी एसिक अपर डिवीज़न क्लर्क और आपकी स्टेनोग्राफर की, ये आपकी वैकेंसी है। ये मैंने कल किया था रजिस्ट्रेशन, ठीक है, यानी 14 अप्रैल को किया था और आप देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं शुरू में जो संख्या लिखी हुई है 62, तो ये क्या है, इनका कोड है। तो 62 को छोड़ करके जो बाकी जो संख्याएँ हैं वो क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, कितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है। तो कल तक थे आपके 336,926, ये 14 अप्रैल की बात कर रहा हूँ। कुछ फॉर्म आज भी भरे गए होंगे तो लगभग हम मान सकते हैं कि 3.5 लाख जो है टोटल फॉर्म इसमें फिलअप हो गए हैं। 1800 प्लस इसमें वैकेंसी है दोनों को मिला करके, क्लर्क की और आपकी स्टेनोग्राफर की। तो स्टेट वाइज आपके जो है फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप किसी भी जोन से किसी भी स्टेट से भर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप पर्टिकुलर जिसमें आप रह रहे हो उसी स्टेट से भरे, किसी भी स्टेट में आप भर सकते हैं, वैकेंसी देख करके आप अपने हिसाब से इसमें भर लेना। तो ये थे, देखिए मैंने आपको बता दिया कितने इसमें फॉर्म भरे गए हैं, लगभग 3.5 लाख। 62 ये यहाँ पर कोड वर्ड है क्योंकि ये कल भरा हुआ है, ये कल किया गया रजिस्ट्रेशन है, और जो पहला रजिस्ट्रेशन किया था उसमें भी क्या था, 62 जो है उसमें भी था, यानी शुरू में उसमें भी 62 था। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है 62 क्या है, कोड है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3.5 लाख जो है फॉर्म यहाँ पर फिलअप हो चुके हैं आज तक के मिलाकर के, ठीक है, टोटल फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं, लगभग 3.5 लाख फॉर्म इसमें फिलअप हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस जैसे के बारे में यहाँ पर देखते हैं क्या इसका सिलेबस बताया गया है। सिलेबस के बारे में आपको पता भी होगा लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर ऊपर जब करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको सिलेबस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये रहा यहाँ पर सिलेबस। जैसा कि आप जानते हैं क्लर्क और स्टेनो की इसमें वैकेंसी निकली हुई है, तो स्टेनो और क्लर्क का जो है अपना अलग अलग सिलेबस इसमें बताया गया है। सबसे पहले बात करते हैं स्टेनोग्राफर की। स्टेनोग्राफर के सिलेबस में सेम जिस प्रकार से SSC में पूछा जाता है, जिस प्रकार जो SSC का सिलेबस होता है, वही सिलेबस जो है यहाँ पर भी दिया गया है। मतलब स्टेनोग्राफर के लिए आपको इंग्लिश, रीजनिंग और आपका GS यानी जनरल अवेयरनेस या GA। तो
ये तीन सब्जेक्ट आपके रहेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर में। इसमें आपको इंग्लिश में 100 क्वेश्चन मिलेंगे और 50-50 आपके रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से मिलेंगे। टोटल आपके 200 नंबर का होगा और अलग अलग ड्यूरेशन है। इंग्लिश के लिए आपको 70 मिनट मिलेगी और 35 मिनट आपको रीजनिंग के लिए और 25 आपको जीए के लिए। यहाँ पर अलग अलग टाइम की लिमिट होगी। बाइलिंगुअल आपका एग्ज़ाम होगा, इंग्लिश केवल इंग्लिश भाषा में होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है 1/4 की माइनस मार्किंग रहेगी। 1/4 की क्या है, माइनस मार्किंग रहेगी। और जो कट ऑफ जो डिपेंड करेगी वो फर्स्ट एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग यहाँ पर कट ऑफ डिसाइड की जाएगी, फाइनल कट ऑफ, ठीक है। और इसमें सेकंड एग्ज़ाम के लिए, सेकंड स्टेज के लिए, फेज सेकंड के लिए इसमें 10 गुना बच्चे जो है लिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद जो है स्टेनोग्राफर का आपका स्किल टेस्ट होगा, कंप्यूटर स्किल टेस्ट। तो कंप्यूटर स्किल टेस्ट आपका मतलब स्किल टेस्ट दो तरह से इसमें होगा। एक तो कंप्यूटर बेस होगा, कंप्यूटर में आपको ये पॉइंट जो है कवर करने हैं। दूसरा होगा आपका स्टेनोग्राफी का, यानी शॉर्ट हैंड का। तो शॉर्ट हैंड में आप जैसे कि जानते हैं 10 मिनट का इसमें मैटर रहेगा, 80 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से। और उसको 85 मिनट आपको टाइप करने के लिए दिए जाएंगे इंग्लिश वालों के लिए और 95 मिनट आपको हिंदी वालों के लिए टाइप करने के लिए दिए जाएंगे। आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट रहेगा, ये जो ये वाला जो टेस्ट रहेगा, ये केवल आपका क्वालिफाइंग नेचर है। यानी इसमें केवल आपको क्वालिफाई ही करना है, इसके मार्क्स इसमें जुड़ेंगे नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मार्क्स ऑब्टेंड विल बी नॉट रिकॉर्ड फॉर मेरिट, यानी मेरिट में इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। ये केवल आपको क्वालिफाई ही करना होगा, ठीक है। जो आपकी मेरिट बनेगी वो फर्स्ट पेपर के हिसाब से ही बनेगी, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं अब क्लर्क के बारे में। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अपर डिवीज़न क्लर्क के बारे में। तो मैं एक बार आपसे फिर बता रहा हूँ कि भले ही इस एग्ज़ाम को IBPS कंडक्ट कराए, लेकिन जो सिलेबस है आपका वो SSC का ही रहने वाला है। पैटर्न आपका SSC का ही रहने वाला है। अब क्लर्क की बात करें तो इसमें सेम जो है SSC का, ये भी सेम SSC का पैटर्न है। 25-25 क्वेश्चन आएंगे आपके, 25-25 आपके क्वेश्चन रहेंगे फेज़ वन में। और फिर यानी 100 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के। इसमें आपको रीजनिंग मिलेगी देखने को, GS, मैथ और इंग्लिश, यानी चारों इसमें सब्जेक्ट है। और एक घंटे का टाइम है बिल्कुल यहाँ पर SSC का ही। तो इसमें आपको देख सकते हैं एक घंटा टाइम है, यानी सेम SSC का ही यहाँ पर पैटर्न रहेगा। अब बात करते हैं, देखिए इसमें नोट, अगर पॉइंट में देखूँ नोट पॉइंट, तो इसमें जो जो फेज़ फर्स्ट है आपका वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। यानी इसमें केवल आपको क्या करना है, क्वालिफाई ही करना है। इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में नहीं ऐड किए जाएंगे। और 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है। और यहाँ पर भी बताया गया है कि वैकेंसी के 10 गुना बच्चे जो है फेज़ सेकंड के लिए लिए जाएंगे। तो ये केवल आपको क्वालिफाइंग नेचर है, ये केवल आपको पास करना है, इसके आपके नंबर नहीं जुड़ेंगे। सेकेंड फेज़ की अगर बात करें क्लर्क की, अपर डिवीज़न क्लर्क के बारे में सेकंड फेज़ की अगर मैं बात करूं, तो उसमें सिलेबस यानी पैटर्न वही रहेगा, क्वेश्चनों की संख्या इसमें बढ़ जाएगी। तो इस बार आपके 50-50 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से हो जाएंगे और एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, यानी 200 क्वेश्चन होंगे आपके और 200 मार्क्स का होगा। इसके लिए टोटल आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। चारों सब्जेक्ट वही रहेंगे, रीजनिंग, GS, मैथ और आपका इंग्लिश। इसमें भी आपकी 1/4 की माइनस मार्किंग जो है रहने वाली है। और इसके बाद जो तीसरा स्टेज आएगा उसके लिए 5 गुना बच्चे जो है शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, ठीक है। अब इसका जो थर्ड फेज़ है आपका, जो थर्ड फेज़ की अगर बात करें, तो इसमें आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट है और ये डिस्क्रिप्टिव रहेगा, ठीक है। इसमें आपको ये चीज़ें जो है करना होगा। तो अभी कंप्यूटर स्किल टेस्ट को आप भूल जाइए बिल्कुल, जो मेन फोकस है आपका वो कीजिए आप इस वाले एग्ज़ाम पर, फेज़ वन पर। स्किल टेस्ट को भी आप भूल जाइए, फेज़ वन पर अपना टारगेट रखिए। तो हम यहाँ पर बात कर चुके हैं फॉर्म के बारे में, सिलेबस के बारे में। तो बैंक वाला सिलेबस नहीं रहेगा, SSC वाला ही रहेगा,
ये आप ध्यान रखना। बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ प्रीवियस ईयर में कट ऑफ कितना गया था और इस बार कितना जा सकता है। तो देखिए प्रीवियस ईयर का ऑफिशियल डाटा जो है कट ऑफ का नहीं है, तो इस प्रकार से अगर मैं बात करूँ तो इसमें प्रीवियस ईयर का कट ऑफ का कोई ओरिजिनल डाटा नहीं है। तो हम एक प्रकार से एसएससी के तरह मानकर चले तो उसके हिसाब से कट ऑफ एक अनुमानित लगा सकते हैं। तो कट ऑफ चाहे कितनी भी जाए, लेकिन आप अपना टारगेट लेकर के चलिए कि मुझे 150 प्लस जो है क्वेश्चन मेरे आने चाहिए, मतलब नंबर आने चाहिए। तो 150 प्लस का आप टारगेट लेकर के चलिए, चाहे स्टेनो की बात हो चाहे आपके क्लर्क की बात हो। तो इस तरह से अगर आप टारगेट लेकर के चलेंगे तो कट ऑफ जो है चाहे कितनी भी जाए आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं स्ट्रेटजी के बारे में। अगर बात करूँ मैं कि स्ट्रेटजी क्या रहेगी, तो स्ट्रेटजी के एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसको आप देखना। लेकिन अभी मैं आपको ओवरऑल बता देता हूं कि आखिरकार आपको स्ट्रेटजी क्या रखनी है। देखिए सबसे पहले बात करें यूडीसी की, तो उसमें चार सब्जेक्ट है आपके। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट सबसे पहले जो आपको करना है, कवर करना है अपना सब्जेक्ट, वो है आपका मैथ प्लस रीजनिंग। 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, या अपर डिवीजन क्लर्क में फेज वन में आपके 50 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे, यानी 100 मार्क्स के। तो सबसे पहले आपको मैथ और रीजनिंग पर फोकस करना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ मैथ और रीजनिंग को, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कम मेहनत करके भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर इस पर आपने फोकस किया तो। फिर उसके बाद आप करना इंग्लिश, इंग्लिश पर फोकस करना। फिर उसके बाद आप करेंगे जीएस, उसके बाद क्या करेंगे आप जीएस। तो सबसे पहले आपको मैथ और रीजनिंग अपनी अपनी जो है अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि लिमिटेड चीज़ें होती हैं रीजनिंग और मैथ में, तो आसानी से आप अच्छे स्कोर जो है कर सकते हो। बात रही इंग्लिश की, इंग्लिश की क्लास भी स्टार्ट करने वाला हूँ मैं आपके लिए। फिर उसके बाद आपको इंग्लिश पर टाइम देना है, फिर उसके बाद जीएस पे, ठीक है। तो इस तरह से अपनी रणनीति को जो बनाना है। आगे बात करते हैं स्टेनोग्राफर की, तो स्टेनो में आप जानते हैं रीजनिंग है, इंग्लिश है और आपका जीएस है। तो सबसे पहले जो आपको उस पर भी रीजनिंग में रीजनिंग पर ध्यान देंगे, मतलब आपको रीजनिंग अगर 50 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के तो 45 प्लस आपके होने चाहिए सही, तब आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर पा रहे हो। अन्यथा आप कम जो मतलब आपको अभी प्रिपरेशन जो है अच्छे से करने की करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप करेंगे इंग्लिश, इंग्लिश पर फोकस, 100 क्वेश्चन की है इंग्लिश तो उस पर फोकस करेंगे। फिर उसके बाद आप जीएस पे, जीएस में लास्ट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जीएस जो है लिमिटेड नहीं है, आप कितना भी पढ़ लीजिए क्वेश्चन जो है, मतलब आपको अच्छा। तो जीएस में आप कितना भी पढ़िए इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। तो फ्रेंड्स ये चारों पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, अगर अभी तक आपने नहीं भरा है तो आप भर दीजिए, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। फ्रेंड्स इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।